अब है आपके प्रबंधक के पारिश्रमिक, इसके लिए आपको जो प्रबंध पहले जो लाइन आती है वो देखना है, घटाने के बाद लिखा हुआ है, घटाने से पहले लिखा हुआ, पूर्व या आफ्टर लिखना, ज्यादा से मैंने क्या लाइन लिखी मालूम नहीं, वहां जो लिखी आती है जो लाइन उसमें आपके यानी प्रबंध के पारिश्रमिक शुद्ध लाभ घटाने के बाद या शुद्ध लाभ घटाने से पूर्व ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। अगर पूर्व है तो क्या होगा आपके नेट प्रॉफिट इनटू दर बटा 100 से क्या करना है आपको मैनेजर का रेमुनरेशन क्या करना है आपको ज्ञात करना है, और ये खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो खर्चे के लिए एंट्री हो जाएगी आपकी, खर्ची हो जाएगी मतलब एंट्री हो जाएगी मैनेजर रेमुनरेशन अकाउंट DR2 क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर रेमुनरेशन बकाया है, बकाया जोड़ते जैसे बकाया जुड़ता है खर्चों में वैसे आप ये भी बढ़ गया जुड़ जाएगा, और अगर आपके बिफोर हो गया तो दर बटा 100 लिखना है, और आफ्टर चार्ज हो जाए तो क्या लिखते हैं बताओ नेट प्रॉफिट इनटू क्या करेंगे दर बटा 100 प्लस दर लिखते हैं, आफ्टर चार्ज लिखा हुआ है या लिखते हैं घटाने के बाद ऐसा प्रयोग है ना लिखा हुआ है आपकी लाइन देखनी के बाद का लिखा हुआ है या फिर पूर्व का लिखा हुआ है, जैसे मान लो क्वेश्चन लू मैं उदाहरण लू एग्जाम्पल ये आपके ट्रायल बैलेंस तो है तो मतलब नहीं केवल वो नीचे वर्किंग नोट में लिखा हुआ आता है, जैसे ये लाइन लिखी आ गई 10% पास होने के बाद में आपने क्या बनाया ट्रेडिंग बनाएंगे सब कुछ लिखेंगे परचेज सेल्स वगैरह सब कुछ लिखकर क्या बनाएंगे क्या ज्ञात करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट याद कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट याद करने के बाद इधर आएंगे बाई में इधर क्या ये क्या ये तो हो गया कंप्लीट कौन सा ट्रेडिंग, अब हम कहाँ आ गए हैं पीएनएल में, पीएनएल में क्या आएगा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इधर ब्याज दर कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट आपके 1,00,000, आपने इधर इनकम कुछ लिखी या आपने खर्चे इधर लिखे खर्चे लिख दिए आपने मान लो कि सैलरी वगैरह सब कुछ लिख दिया तो सबकी जोड़ कितनी हो गई आपके ये हो गई मान लो जोड़ हो गई 23,000 सभी खर्चे मिलाकर, अब आपने यहाँ नेट प्रॉफिट निकालना है नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपके जोड़ के कितना आ गया 77,000 आ गया, लेकिन जब जब भी ऐसी जो नीचे लाइन लिखी आ जाए कि आपको प्रबंधक को पैसे नहीं देना है तो ये जोड़ क्या करना है आपको यहाँ से काट के जोड़ पहले नहीं करनी उसके क्या करेंगे हम वर्किंग नोट बनाएंगे पहले ज्ञात करेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना तो 1,00,000 में से कितना गया आपके 23,000 गया पीछे कितना बचा आपके 77,000 इसमें थोड़ा हिस्सा किसका है कुछ हिस्सा किसका है मैनेजर का कमीशन का है तो हम यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, अब कितना है अगर बिफोर चार्ज लिखा हुआ है पूर्व लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे इंटू 10/100 कितना होता है 7,700 तो क्या कह रहे 77,000 में से 7,700 देंगे इसको बाकी कितना बचा बाकी बचा है आपके 69,300 ये लाभ कहलाएगा, और जब बनाएंगे बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में क्या आएगा आपके मैंने बताया था हर कोई नई चीज कितनी बार लिखते हैं दो बार एक बार हमने यहाँ लिख दिया एक बार यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना आ जाएगा 7,700 और जो 69,300 है वो क्या करेंगे कैपिटल में एड कर देंगे कैपिटल में एड करते हैं नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है जो अंतर है उसको दो अगुण बांट देंगे, अगर यही सवाल वापस जैसे ये पीएनएल ले रखा है आपके वही आपने खर्चा निकाला यहाँ कितना आ गया आपके नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपके 1,00,000 और खर्चा क्या ना ग्रॉस प्रॉफिट है और खर्चा कितना आ गया आपके वही 23,000 आ गया, अब लेकिन नीचे जो लाइन लिखी हुई है वो लाइन ऐसे लिखी है शुद्ध प्राप्त लाभ प्राप्त करने के बाद के 10% पर क्या मिलता है उसको पैसा मिलता है रेमुनरेशन मिलता है क्या करेंगे हम 77,000 आता है इन दोनों का अंतर वो अंतर क्या करेंगे हम 10/110 कर लेंगे दर अंदर जोड़ लेंगे, अब काटो हल करो तो कितना आएगा आपके भाग जाएगा नहीं पास 7 बार तो कितना आएगा 7,000 तो आ जाएगा आपके मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके 70,000 आ जाएगा ऐसे दो भागों में बाहर है 77,000 मतलब कि अगर आपके पूर्व है तो दर बटा 100 आप क्या लिखेंगे दर बटा 100 प्लस दर लिखेंगे आपको यहाँ पर तो ढूंढे करने अब यहाँ तो मैंने 7 लिखे हैं तो यहाँ कितने आ जाएंगे आपके 7,000 आ जाएंगे और सीधे कहाँ चले जाएंगे आपके नेट प्रॉफिट चले जाएंगे तो दो टुकड़े ऐसे करने अब आपको लाइन थोड़े ध्यान से पढ़ जब भी मैनेजर कमीशन आए उसमें लाइन में देखना है पूर्व का प्रयोग हुआ है या फिर बाद का प्रयोग हुआ है इंग्लिश में हिंदी में समझ नहीं आ रहा है लिख देना इंग्लिश में देख लेना आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्ज मतलब पहले आफ्टर मतलब बाद में ऐसा जब भी लिखा हुआ है तो लाभ को ऐसे बांटना 77,000 जो अंतर आया इस अंतर के टुकड़े ऐसे करेंगे 10/110
या करें 10/100, एंट्री करेंगे या तो आएंगे यहाँ पर 7,700 रुपए आएंगे, या कितना आएंगे आपके 7,000 रुपए आएंगे। जो है बिफोर है तो 7,700, आफ्टर है तो 7,000 रुपए, यानी कि घटाने के बाद के लाभ का निकालने, घटाने के बाद मतलब मैंने घटाने के बाद कितना होता है, घटाने के बाद कितना है 70,000 है, इसका 10% कितना होता है, घटाने के बाद मतलब जो भी अगर मैं रेमुनेशन को अलग कर दूं और नेट प्रॉफिट को अलग कर दूं, अलग करने के बाद जो मुझे ज्ञात होगा नेट प्रॉफिट उसका 10% है, तो देखो इसका 10% निकाल लो, ये पूर्व है मतलब घटाने से पहले, मतलब नहीं घटाऊं तो लाभ कितना होता है 70,000 होता है, उसका 10% कितना होता है 7,700, घटाने पूर्व मतलब मैं लाभ जो भी है उसको लाभ मान लूं और उसका परसेंटेज निकाल लूं तो 7,700 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कितना कमाया था 70,000 कमाया, 77,000 अंदर, यह 77,000 इसका 10% है, आफ्टर गए तो घटाने के बाद जो मूल्य बचा उसका 10% है, तो घटाने के बाद मूल्य कितना बचा 70 बचा, और 70 का ये क्या है 10% है, 7,000 क्या 10% है 70 का, ऐसे ज्ञात करना, तो आफ्टर बिफोर आए जब भी आपको ऐसा ध्यान रखना है, और ये पॉइंट तभी ज्ञात, इस पॉइंट को रखना है ऐसे ही लास्ट तक, जब ये जैसे ये पॉइंट आएगा इस पॉइंट को कब ज्ञात करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सभी खर्चे लिखिए, पूरे खाते बंद करने हैं, सबसे लास्ट में ये पॉइंट होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में निकलेगा, एंड में सभी पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिए, नेट प्रॉफिट सारे पॉइंट लिख दिए, बैलेंस शीट सारी बदल दी, फिर जब लास्ट में खाते बंद करने लगेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात किया फिर नेट प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, वहां ये पॉइंट ज्ञात है, तब तक इसको नहीं लिखेंगे, तब तक पॉइंट को अलग, पूरा पॉइंट अलग खिसकाना, सबसे लास्ट में पॉइंट लेंगे और फिर इसको ऐसे छोटे करेंगे, बिफोर है ऐसे, आफ्टर है तो ऐसे करना है, आया समझ में थोड़ा बहुत।